पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को बराबर का शहरी नहीं समझते। अगर एक क्रिश्चियन या एक हिंदू या एक सिख जो है वो इस मुल्क का सरबराह नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे बसने वाले ये जो है जिनको अगर रियासत उनको दूसरे दर्जे का शहरी बना रही है और वो तासुबात जो है वो सिस्टमेटिकली लोगों में फैला रही है, तो फिर इस रियासत से ये तवक्को रखना कि वो ताकत देगी, मैं समझती हूँ कि ये जब तक हम मिलकर इस रियासत की शक्ल मिलकर नहीं बदलते, हम इस रियासत के अंदर जो है वो इंसान दोस्त कर रखने वाले जो सोच है उसको जो है रियासत के ऊपर इसका कब्जा उसकी अमलदारी कायम नहीं करते मिलते, तो इस किस्म की जो मैं समझती हूँ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो होती रहेगी। इस वाक्य में फौरी तौर पर जो मुजरिम है हम मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी तौर पर कैफे करदार तक पहुँचाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझती कि कोई जो फौजी अदालतें हैं वो किसी को इंसाफ देने के काबिल है, ये फौजी अदालतों का ही खमियाजा है कि तमाम हमारे जो अदारे हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी को इतना मजबूत होना चाहिए था कि वो शो मोटर दे, इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस को इतना मजबूत होना चाहिए था कि वो फौरन वहाँ पर पहुँच के वहाँ से कई वसी बराती के लोगों को जो है कम्यूनिटी उनको तहफ़ देती, लेकिन हमारे तमाम अदारे जो हैं वो इस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, और यही जो मजहबी जुनूनियत है इसका दौर दौरा है और इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम तमाम लोग हम तक हमारा जो भी मजहब है लेकिन जो हमारा पहला मजहब है वो इंसानियत है, इंसान जो है वो इंसानियत जो है वो हमारा हम सब का मजहब है, और जो भी हमारा मजहब है उसकी बुनियाद के ऊपर हम इंसानियत जो है वह हर मजहब जो है उसको प्रमोट करता है। तो अगर हम सब मिलके जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसी रियासत का क्याम करें जिसमें मजहब का रियासत के जो नज़्मों उससे कोई उसका अमल दखल ना हो। हम कायदे आज़म की तकरीर को तो बड़ा कोट करते हैं लेकिन कायदे आज़म का पाकिस्तान वो जो एक सेकुलर पाकिस्तान, एक जमहूरी पाकिस्तान, एक इंसान दोस्त फिक्र रखने वाला पाकिस्तान वो तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। और पाकिस्तान की जो रियासत है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें आपने ऐसे ऐसे लॉज बना दिए, ब्लास्फेमी लॉ में अगर इस्लाम जो है उसके हवाले से कोई बात होती है तो अगर आपने अव्वल तो ये लॉ ही ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। जो भी लॉ जो है जिसका गलत इस्तेमाल होता है उसको पहले ख़त्म करना चाहिए और फिर अगर लोगों के मज़हब की इज्जत के हवाले से इकराम के हवाले से आपने कोई नई कानून साजी करनी है तो वो तमाम मज़ाहिब के लोग मिल के करें। तो वो इसी तरह ये है कि अगर मुसलमानों के किसी अंबिया के हुज़ूर पाक के हवाले से कोई अगर कोई बात करता तो उसको सजा है, तो अगर किसी और मज़हब के जो है हज़रत ईसा के हवाले से हज़रत मूसा के हवाले से किसी के हवाले से भी कोई बात हो तो उनके ऊपर भी उसी तरह की सजाएं लगा होनी चाहिए। ज़ाती तौर पे मैं समझती हूँ कि ब्लास्फेमी लॉ को मुकम्मल खात्मा करना चाहिए, 295C की वजह से बहुत दबाई हुई है, उसको फौरन ख़त्म होना चाहिए, उसमें रिव्यू की गुंजाइश नहीं है। और हम सब जो है हम अब हमारे लिए अफसोस का यही मैं कह सकती हूँ कि हम कोई मदावा नहीं बन पा रहे, यहाँ पे इंसान दोस्त रखने वाली जो सिविल सोसाइटी की आवाज़ें हैं हम कंडेम तो करते हैं, हम उसकी मजम्मत तो करते हैं लेकिन हम आपके मसलों का हल नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम सब जो है वो मिल के आपस में इंसानियत की बुनियाद के ऊपर जो है अपने एक दूसरे का जो है उसको सपोर्ट करें और इस रियासत की हैयत को बदलने में जो है वो अपना करता है।